बहुत माजरत के साथ अजमान साहब, मेरा जवाब ना है। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं कर सकती। इस्लान इतना अच्छा फैसला लेगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जब से उसने कहा है कि मैं शादी करना चाहता हूँ उसका से, मैं खुशी से पागल हो गई। खतीजा बहन, आपकी इजाजत हो तो मैं अस्का को रिंग पहना दूं। अस्का, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं। मुबारक हो आपको। जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। अस्का, तेरा दिमाग खराब हो गया? शादी, और वो भी ऐसे मगरूर घमंडी बदतमीज इंसान से जो ना तुझे पसंद करता है ना हमें। अस्का, कुछ मत बताना वरना तुम्हारी नेकी राह में रह जाएगी। ऐसी क्या मजबूरी होगी जो तूने हाँ कर दी? भाभी, फैसला हो चुका है। हाँ, तो इसलिए तो पूछ रही हूँ कि क्यों फैसला किया है ये? तू भूल गई है कि उस इंसान ने किस किस तरह तेरी बेइज्जती की है? याद है मुझे सब। याद है, फिर भी तूने हाँ कर दी, क्यों? आखिर क्या कह दिया उसने तुझे कि तूने अपना आप, अपनी जिंदगी उसके हवाले करने का फैसला ही कर लिया? अस्का, अस्का देख, मेरा दिल घबरा रहा है। सच सच बता दे, आखिर बात क्या है? भाभी, अभी सिर्फ इतना कहूंगी कि आपने अस्का पे यकीन रखे। मैं कोई गलत फैसला नहीं करने जा रही, वक्त आने पे आपको सब कुछ बता दूंगी। हम यहाँ तेरे लिए खुशियां तलाश कर रहे और तूने खुद अपने लिए कांटों भरा रास्ता ही चुन लिया है, क्यों? इंसान सारी जिंदगी बहुत सी मोहब्बतें करता है, किसी से कम, किसी से ज्यादा, और किसी से इतनी ज्यादा कि वो मोहब्बत इश्क बन जाती है। और फिर जिंदगी में वो मकाम भी आता है उस इश्क को खुदा की रजा के लिए छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी जिससे वो नफरत करता है रब की रजा की खातिर उससे मोहब्बत करनी पड़ती है। इंसान जिसको देखना ना चाहे वही नजरों के सामने रहे, और जिससे फरार पाना चाहे वही रगे जा बच जाए। तुम्हारी मदद मैंने सिर्फ शनाए की वजह से की। ये जो तुम इतने शान से डॉक्टर बनी खड़ी हो ना, झुककर अपने कदमों को देखो, तुम जमीन पर नहीं, शनाए की लाश पर खड़ी हो। शनाए ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हें डॉक्टर बनाएगा, और मुझे शनाए के हर किए गए वादे को पूरा करना था, वरना तुम जैसे कम जर्फ, खुद गर्ज और मौका परस्त लोग इस काबिल ही नहीं कि तुम लोगों को नजर उठा के भी दोबारा देखा जाए। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस और दोबारा यहां नजर बताना। दिल ख्वाहिशात के अंगारों में जल रहा हो, आंखें इस कर्म में बरस रही,
यही नफ्स का सबसे कड़ा इम्तहान है, पल पल आजमाइश, और यही राजी बर्रजा इश्क ला की पहली मंजिल है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिठाई खाई जा रही है, छमछम माय फेवरेट। तुम भी खाओ, मुबारक हो। किस चीज की इतनी खुशी और मुबारकबाद? देखो, मुझसे नहीं रहा गया, मैं अस्का के घर चली गई, उसके घर वालों ने हाँ कर दी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्लॉजेस पढ़ लीजिए। इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं थी वैसे। मेरे नजदीक बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता, और वैसे भी मैं कोई भी डील कॉन्ट्रैक्ट के बगैर नहीं करता। कुछ भी हो सकता है। तुम निकाह नामा लेकर कोर्ट जाकर मुझ पर अनरीजनेबल डिमांड्स कर सकती हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि हमारा निकाह किन टर्म्स पर हुआ था। काफी वहमी लगते हैं आप। वहमी नहीं, मैं बहुत केयरफुल हूं। लोगों को देखकर डिमांड्स की जाती है, और कल को तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करो तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दो बातें याद दिलाएगा। एक, जब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, और दो, कि तुम किडनी अपनी मर्जी से दे रही हो और मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की। इस कॉन्ट्रैक्ट का एक भी क्लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरी इंटेंशन जानता है, उससे मुझे प्रोटेक्ट करना है इस कॉन्ट्रैक्ट में। कोई भी डील कॉन्ट्रैक्ट के बगैर नहीं करता। कुछ भी हो सकता है। तुम निकाह नामा लेकर कोर्ट जाकर मुझ पर अनरीजनेबल डिमांड्स कर सकती हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि हमारा निकाह किन टर्म्स पर हुआ था। इस शख्स को जरा भी एहसास नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपना सब कुछ दांव पे लगाकर उसके एहसान की कीमत चुकाने जा रही हूं। वो मुझे वर्थलेस, डिसऑनेस्ट समझता है। अस्का, तुम बंद गली में खड़ी हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हौसले और सब्र से बर्दाश्त करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खुश रहो, ठीक हो तुम? जी अम्मा, अस्का नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी नहीं आई। अच्छा अच्छा अम्मा, जाहिद ना वाकई बहुत ही अच्छे हैं। कह रहे थे तुम्हारे घर में बहन की शादी है ना, तो जाकर दुकान से अपनी पसंद से जो चाहे ले लो। मैं काफी सारी चीजें ले आई हूँ, अस्का देखकर बहुत खुश होगी। पता नहीं कमर, लगता है कि अस्का हमसे कुछ छुपा रही है, वो इस शादी से खुश नहीं है। जी अम्मा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर वो किसी को कुछ बताए तो ना, बताती भी तो नहीं है। सच मानो, इस शादी से मैं भी बहुत परेशान हूँ। ऐसी क्या बात है कि अस्का मान भी गई है और खुश भी नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। तो हम वापस कर देंगे, हम दुकान पे चलेंगे, अपनी पसंद से तू सारी शॉपिंग कर लेना, ठीक है? देख तो सही, ये देख।
मैं अभी आती हूँ। देखा तूने? उसने आंख उठा के भी नहीं देखा। उसके चेहरे की उदासी मुझे बहुत परेशान कर रही है। तुम ही बताओ कमल, हम क्या करें? क्या कर सकते हैं अम्मा, घर में बेटी की शादी है, हम तो धूमधाम से ही करेंगे ना। बेगम साहिबा ने तो कहा है कि कोई चीज नहीं लेनी। और अजलान साहब, उनके आगे तो ना हमारी कोई औकात है ना ही कोई हैसियत है अम्मा, हमारी दी हुई चीज क्यों पहनेंगे वो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अपनी बेटी के लिए भी कुछ ना करें। लेकिन वो भी तो खुश नहीं है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप क्या कर रही हैं? अस्का के लिए जेवर निकाल रही हैं। इसकी क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हो? तुम उससे शादी करके घर लेके आ रहे हो, इस घर की बहू बना रहे हो। मैं उसको उसी तरह लेकर आऊंगी जिस तरह मैं शनाया को बहू बनाकर लाई थी। तुम्हें पता है लड़कियों को जेवर बहुत अच्छा लगता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मैं अपना ही जेवर निकाल रही हूँ। देखिए मैम, शनाया की बात और थी। ओके अस्लान, तुमने शनाया से भी शादी की थी और अस्का को भी शादी करके घर लेके आ रहे हो। देखो मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, अस्का बहुत मासूम और प्यारी बच्ची है, उसको प्यार से रखना। देखिए मैम, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर ये बातें करके मुझे प्लीज परेशान ना करें। आई एम ट्राइंग रियली हार्ड। ओके, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अस्का के सामने शनाया का जिक्र कर करके उसे परेशान मत करना। ओके मैम, ठीक है। आई थिंक वो अब आ रही है इस घर में, तो ये काफ़ी है। ठीक है, जहाँ तक शादी की बात रही, हम एक सिंपल इवेंट करेंगे, आप मैं जाएंगे, निकाह करेंगे एंड विल कम बैक। ठीक है, मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए और एनीथिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो अजलान, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत और नाजुक होता है। अगर इसे अच्छे से निभाओगे तो ये मजबूत होता चला जाएगा, और अगर दिल में मलाल और रंजिश लेके चलोगे तो ना ये मजबूत हो पाएगा ना कायम रह सकेगा। और जिंदगी में ऐसे तजर्बे बार बार नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही है, आई गॉट इट। मेरी एक जूम कॉल है अभी, सो आई एम गोइंग टू गो एंड हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, आप आराम करें। कूल। हेलो हमदान, तुम कहाँ हो यार? मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? सॉरी जैन, मैं बहुत बिजी थी। अच्छा सुनो, मैंने अस्का को कॉल की कई बार लेकिन उसने मेरी कॉल ही नहीं ली। तो तुमने उसे मैसेज करना था ना यार। कई मैसेजेस किए हैं, उसका फोन ऑफ जा रहा है, उसने मेरे मैसेजेस भी नहीं पढ़े। अच्छा तुम मेरे काम करो, तुम कल उसके घर चली जाओ। सॉरी जैन, मैं कल अपने हस्बैंड के साथ सिंगापुर जा रही हूँ। ओ अच्छा, तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते उसके घर? नहीं एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं उसके घर गया था तो उसकी मदर ने काफी माइंड किया था कि मैं अपने पेरेंट्स के बगैर आया हूँ, और मेरे बारे में उनके व्यूज भी कुछ अच्छे नहीं है। ओह आई सी, बट जैन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अगर तुमने उसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं तो फिर उसकी फैमिली को भी तो फेस करना होगा। जस्ट गो अहेड। तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। Thank you.
सॉरी, मुझे ये पसंद नहीं। आइए ना सतपथ जी, आइए आइए आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, आइए जी आइए। तुम्हारा इस घर में और अज़लान की ज़िंदगी में आना बहुत मुबारक हो। ये मेरा कमरा था, मैंने तुम्हारे लिए शिफ्ट किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस कमरे में जाओ जहाँ शान। देखो बेटा, अज़लान शनाया से बहुत मोहब्बत करता था। उसके बाद उसने किसी और की तरफ देखा भी नहीं। तुम ये समझ लो कि ये शादी भी मेरे मजबूर करने पर उसने तुमसे की है। बेटा, बास दफा मजबूरी में किए हुए फैसले जिंदगी को बदल देते हैं। तुम अपनी मोहब्बत से उसका दिल जीत लेना और उसके दिल में अपनी जगह बनानी है तुम्हें। अज़लान का मिजाज थोड़ा गर्म है, लेकिन मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। अगर वो तुमसे कभी ऐसी वैसी बात कर भी देना तो सब्र से बर्दाश्त कर लेना, गुस्सा मत करना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम मेरे अज़लान की जिंदगी बदल दोगी। इस वीरान घर को आबाद करोगी
तुम्हें अजलान की वीरान और बंजर जिंदगी में अपनी मोहब्बत के फूल खिलाने हैं। हिम्मत नहीं हारना, ठीक है बेटा? This is called destiny. तुम मेरे नसीब में थे और मैं तुम्हारे नसीब में, तो तुम दुनिया के कितने चक्कर लगा लेते। घूम फिर के वापस तो मेरे पास ही आना था। एक मजे की बात बताऊं? तुम जैसी पागल से शादी कर मैं इतना खुश हूं। हो ना पागल? और मुझे देखो ना, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती और कोई मुझसे कहता कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूं, तो मैं तो मना कर देती बॉस। इबादत मोहब्बत की करते हुए मेरे लिए सिर्फ एक ही बात इम्पोर्टेंट, तुम्हारी मोहब्बत। आ जाओ अजलान साहब, दुल्हन को आप दोनों के नए कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। बेगम साहिबा ने कहा था आपको बता दूं। ठीक, तुम जाओ। जी ठीक है। कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। आप अगर यहाँ रह रहे तो मुझे बता दीजिए, मैं मुझे किस रूम में जाना है। हमें एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। सॉरी, मैं आपके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती हूँ। देखिए, हम चाहे या ना चाहे एक दूसरे की जिंदगी में आ चुके हैं, बेशक एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। लोग हजारों बातें करेंगे एंड मैं नहीं चाहता कि मॉम को पता चले। उन्हें बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि हमारी शादी के पीछे क्या मकसद है। हाँ, लेकिन ये रूम में मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे फिक्र मत करो, तुम मेरे कमरे में होकर भी मुझे नजर नहीं आओगी, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं। वो सोफा है, वहां सो जाओ, तुम्हारे घर से ज्यादा कंफर्टेबल होगा। हीरांजा के गेटअप में आओगे, मैं और हादी रोमियो जूलियट, और अस्का और जैन तुम दुल्हन दुल्हा के रोल में आओगे। पागल हो गई हो? कोई और कैरेक्टर दो, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैन तुम क्या कहते हो? नहीं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। ऐसे फ्यूचर में भी तुम दोनों ने यही तो बनना है, रिहर्सल ही सही। फिर भी नहीं, तुम अस्का की टेंशन ना लो, दुल्हन को मैं बना लूंगा। ये हुई ना बात।
तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम मेरे असलान की जिंदगी बदल दोगी, इस वीरान घर को आबाद करोगी। तुम्हें असलान की वीरान और बंजर जिंदगी में अपनी मोहब्बत के फूल खिलाने हैं। हिम्मत नहीं आ रहा, तुमसे बेवफाई नहीं की शनाया, तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। तुमने मुझसे कोई बेवफाई नहीं की है गुलाम, तुम्हें अपने अजलान पर यकीन है ना? मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता, उसका नाम नहीं सुनना मुझे। मेरे दिल में उस लड़की की कोई जगह नहीं, वो जगह कल तुम्हारी थी, आज तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, मेरे हिस्से की मुस्कुराहटें भी तुम्हें नसीब हो जाए, तुम मेरी जिंदगी भी जी लो। जानती हो इश्क इलाह के सफर में सबसे अहम क्या है? क्या? सब्र। सब्र में भला क्या करते हैं? आंसू नहीं निकलते, शिकवा भी नहीं करते, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते। शनाया बीबी, वो मुझे आजमा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, वो हर कदम पे तुम्हारे साथ है। मुझे सफर के बारे में क्या बता रही थी?
या अल्लाह, तू मेरी नीयत जानता है। मैंने जिस राह पर कदम रखा है, बस उस पर मुझे साबित कदम रखना। तुम्हारी इस कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? दोबारा मत आना। सुबह हो गई है और बहुत जल्द हमें कोई ना कोई उठाने आ जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को ना पता चला, आप ही चाहते हैं ना? शख्स कब तक खुद को खुदा समझेगा? इस लड़की को घर लाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? न जाने शनाया जी को उनमें क्या नजर आता था, ये तो किसी तरह भी उनके काबिल नहीं थे। मेरे हर मामले में बोलने लगी है, मुझसे यूं बात करती जैसे गलती मेरी ही हो। ठीक है, चंद दिन की बात है, उस वक्त तक बर्दाश्त करना है जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती। अम्मा, अम्मा, अम्मा किधर है? यहाँ हूँ बेटा, यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अरे क्या बात है अम्मा, परेशान लग रही हैं। ऐसा लग रहा है रात भर सोई नहीं। नहीं सोई, नींद ही नहीं आई। अस्का के बारे में सोच रही थी, बहुत परेशानी है मुझे। सच बताऊं तो मुझे भी नींद नहीं आई परेशानी के मारे। कमर, खुदा जाने अस्का ने ऐसा फैसला करके क्यों अपनी और हमारी जिंदगी इस आजमाइश में डाली। तुमने देखा था इसके तो गुस्से से उन्होंने जाहिद का हाथ रोका और अपनी नाराजगी का इजहार किया। मैं सोचती थी कि असलान साहब ना सब कुछ भूल गए होंगे, लेकिन वो शख्स भूलने वालों में से है ही नहीं। अम्मा, उसके तो रवैये में जरा सी भी नरमी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, असका शख्स किस रवैये को जानती थी फिर भी उसने ये फैसला कर लिया। अच्छा परेशान ना हो अम्मा, मैं और जाहिद ना अस्का की तरफ नाश्ता लेके जा रही हैं। नहीं नहीं, जाहिद को ना लेके जाना। असलान साहब का कोई पता नहीं, उसे खाम खाम में तुम्हारी बेइज्जती करते। जाहिद की नजरों में जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। बात तो आप ठीक कह रही हैं। चलिए फिर मैं अकेली चली जाती हूँ अम्मा। हाँ वहां पहुंचोगी ना तो बेटा मेरी अस्का से बात करा देना। जी अम्मा मैं करवा दूंगी। चलो खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के अमान में रहो। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। I wanted कि मॉम के सामने तुम ऐसा कोई शो नहीं करो कि उन्हें जरा भी शक हो। ओके? आप ये बात मुझे कह चुके हैं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और आप फिक्र ना करें, आपकी मॉम को पता नहीं चलेगा कि हमारा रिश्ता कागज पे किए दस्तखत तक है। आप मुझे रिमाइंड नहीं भी करवाएंगे तो मुझे याद रहेगा। लेकिन जितने जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाए आई फील उतना अच्छा है।
और कुछ? नहीं, आई शुड हेड आउट। सुने, मैं अपने घर वालों से मिलने जाना चाहती हूँ। अस्का, हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि तुम्हें मेरी किसी भी इजाजत की जरूरत हो। तुम अपने सब फैसलों में इंडिपेंडेंट हो, जो चाहो करो, जिसे चाहो मिलो। जिस तरह मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, वैसे ही तुम्हारा मुझ पर नहीं। आप भूल रहे हैं कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं, और उस हवाले से जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता, मैं पाबंद हूं कि मैं जहां भी जाऊं आपको इन्फॉर्म करूं। साहब जी, बेगम साहब अभी होश होगी, जल्दी आइए।